तो ये देखिए कीवी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है, और नीचे मैंने मड़वा लगा रखा है। ये देखिए बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है कीवी की। ये देखिए यहाँ मैंने लगाया है, एक मेल और एक फीमेल लगाया मैंने, और ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। यह मेल है इधर वाला, और वो सामने वाला फीमेल है। देखो क्या अच्छी ग्रोथ हो रही है, मात्र 2 साल हो रखे हैं पौधों को, और पौधों का देखो ग्रोथ कितना बढ़िया है। और यहाँ भी लगी पड़ी है, तो ऐसी ही अभी पहाड़ों में। और ये हमारा गठेरी का खेत देख सकते हैं, ये हमारे द्वारा मेरे द्वारा गठेरी लगाई गई है। देखो कितना बड़ा खेत है, और वो सामने तक उधर तक नज़र पहुंच रही होगी आपकी, देखिए आगे तक है उधर को, इधर को गठेरी, और यहाँ को हो रहा है देखो देसी ज्वार और झुंगरा। देखो किस तरीके से हो रहा है, कितना शानदार तरीके से हो रहा है। और ये रही गठेरी, देख सकते हैं सामने से, वो देखिए आगे तक, ये देखिए। तो ये है हमारे मेरे द्वारा जो पीछे मछली टैंक बनाया गया है बहुत बड़ा वाला, और सामने से दूसरे साइड में देखो उधर है छोटा वाला ये सामने, और ये शिमला मिर्च वगैरह है ककड़ियों की, मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये जा रही है गाय भैंस और बकरियाँ, गाय आगे चली गई है, चल ले 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 ले, चल चल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त रघु रहा पहाड़ी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जौरासी से। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से, क्योंकि दिन में टाइम नहीं लगा, कुछ काम कर रहा था। तो आज आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों का मौसम कैसा हो रहा है, और आजकल बारिश की वजह से चारों तरफ कीच ही कीच हो रही है, तो जनजीवन जो है बड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है पहाड़ों में। तो सामने दिखाते हैं आपको कि अभी क्या क्या हो रहा है पहाड़ों का नज़ारा। तो पहाड़ों में इस प्रकार हो रहा है मौसम, देख सकते हैं वहाँ लगी हुई है ककड़ियाँ वगैरह, उस पेड़ में भी ककड़ियाँ हैं, और ये देख सकते हो अभी कीची कीच कैसे हो रही है। यहाँ रहती है मेरी बकरियाँ, और ये मैंने एक बैठक रूम बनाया हुआ है यहाँ से, और ये मैंने गाय भैंसों के पानी पीने के लिए एक टैंक बना रखा है। इसमें मैंने खाली किया था, सफाई की थी, और मैंने अपने घर की कैसे सफाई की है कल, शानदार तरीके से देख सकते हैं पूरा साफ किया हुआ है। नीचे नीचे काई लग गई थी, पूरी पूरी काई क्लीन की हुई है पापा ने और मैंने मिलके। और ये है ककड़ी की बेल है, और वहाँ लग रही है ककड़ी, देख सकते हैं ऊपर, तो अभी ककड़ी लगनी शुरू हो गई है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप अपना कीवी का प्लांट नहीं दिखाते हैं, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कीवी का प्लांट मेरे कितने बड़े हो गए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ नीचे मेरे कीवी के प्लांट हैं, और ये कीवी के प्लांट देखो कितने बढ़िया हो गए हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये कीवी के प्लांट मैंने 2 पेड़ इधर लगाए हैं, बाकी पेड़ उधर साइड में हैं, और देखिए कितने अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, कीवी की, ये देखिए। तो ये देखिए कीवी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है, और नीचे मैंने मड़वा लगा रखा है। ये देखिए बहुत बढ़िया ग्रोथ हो रही है कीवी की। ये देखिए यहाँ मैंने लगाया है, एक मेल और एक फीमेल लगाया मैंने, और ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है। यह मेल है इधर वाला, और वो सामने वाला फीमेल है। देखो क्या अच्छी ग्रोथ हो रखी है, मात्र 2 साल हो रखे हैं पौधों को, और पौधों का देखो ग्रोथ कितना बढ़िया है। ये देखिए शानदार तरीके से ग्रोथ हो रखा है कीवी का। तो ये था कीवी का प्लांट, और आगे अभी ये सामने से देख सकते हैं, ये मैंने केले मछलियों के लिए लगा रखा है, और ये है पानी की टैंक। तो यहाँ हमने पूरी काई निकाली थी आज, यहाँ सामने से पूरी काई निकाल दी है, और ये है मेरी बड़ी वाली बच्ची, भूमि नाम है इसका। हेलो बोल दे, हाय दोस्तों बोल दे। तो यहाँ देखे पूरा बरसात से काला काला हो गया था, हमने पूरा क्लीन कर दिया है। ये सामने ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट, ये देखिए स्ट्रॉबेरी है, नीचे हो रही है गठेरियाँ, सामने देख सकते हैं आप। और यहाँ भी सारी, इधर से भी सारी काई निकाली हमने, यहाँ भी पूरा काला हो गया था, देख सकते हैं कितना क्लीन कर दिया है। और ये सामने देख सकते हैं आप, और यहाँ भी लगा रखी है मैंने स्ट्रॉबेरी, देख सकते हैं यहाँ तो बहुत बड़ा प्लांट कर रखा है मैंने खेती वगैरह। आगे मैंने बैग में सिटिंग ऑफ कर दिए हैं, ये सारा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी हो रही है, और ये देखिए सामने से बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा रखा है, ये देखते हैं। और ये सामने देख सकते हैं ये है छोटा वाला पाउंड जो मैं आपको दिखाते रहता हूँ,
वो अभी अंधेरा होने लग गया है, मछलियाँ तो कम ही आएंगी ऊपर। और इधर देखो ये है ककड़ी की बेल लगा रखी थी कपने वो उसमें, वो सामने भी लगी हुई हैं। और ये है बड़ी, यहाँ पे भी लगाया था आगे, यहाँ शिमला मिर्च हुई थी, शिमला मिर्च टूट गई है मतलब खा दी है, अब तोड़ दी है। और ये देखो मैंने फूल लगा रखे हैं किनारे किनारे, क्योंकि मैं मछली के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी करता हूँ। और ये है बड़ा टैंक, देख सकते हैं कितना बड़ा है। इस तरीके से भी, इस साइड से भी मैंने जाली लगा रखी है सेफ्टी के लिए, और वो साइड में भी जाली देख सकते हैं, यहाँ किनारे भी जाली, ऐसे भी पूरा पेंट कर रखा है इसको ताकि। और यहाँ भी अभी सिर्फ लगाया हुआ है। और ये केले के डंठल जो मैं आपको दिखाते रहता हूँ, तो देखिए कैसे बना दिए हैं ये पत्ते। मैं आप लोगों को रोज़ मेरी डेली वीडियो में दिखाता हूँ, और देखिए कैसे पूरे के पूरे पत्ते खा के खाली डंठल ही डंठल बचा रखा है बच्चों ने, जो मुर्गियाँ हैं। और ये है मेरा ग्रीन हाउस, पोली हाउस जो मुर्गी नीचे दिख रहा है आपको यहाँ। और ये मैं पेड़ थोड़ा माल्टा का सूखने लग गया है, क्योंकि इसमें ये फलदार और मछली ककड़ियों का देखो ऐसे लटके हुए हैं अभी पहाड़ों में। और यहाँ मेरा लाल हो गई है देखो, यहाँ ककड़ी लाल हो गई है। मेरे तो ये है हमारे मेरे द्वारा जो पीछे मछली टैंक बनाया गया है बहुत बड़ा वाला। और सामने से दूसरे साइड में देखो उधर है छोटा वाला ये सामने, और ये शिमला मिर्च वगैरह है ककड़ियों की मैंने आपको दिखाई दिया। नहीं पीछे है पोलिया हाउस जिसमें सब्जी वगैरह उगाता हूँ, खीरा वगैरह, अभी भी उसके अंदर लौकी वगैरह हो रहा पापा, है। तो अच्छा आ बेटा, तो पीछे मछली कूद रही है सामने से। और यहाँ जो मैं आपको दिखाते रहता हूँ देखो ककड़ी वगैरह का मैं कैसे बनाता हूँ टान नुमा ऐसे, जो कि ककड़ियाँ जो है नीचे को लगती हैं ऐसे, और ये बेल टाइप की इस तरह से बनाया रहता है शानदार तरीके से। देखो कितना अच्छा तरीके से बनाया रहता है मेरा। और आगे मैं आपको और सब्जी वगैरह दिखाता हूँ सामने से। तो ये है इधर छोटा वाला पाउंड ये सामने, और ये देखिए ककड़ियाँ सर के ऊपर ये देखिए कैसे लगी हुई हैं। और यहाँ से सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रॉबेरी, यहाँ भी लगा रखी है मैंने। और अभी स्ट्रॉबेरी का जो है प्लांट बढ़ता है, तो इसलिए उसको सामने से। और यहाँ भी मैं सब कुछ लगाते रहता हूँ, यहाँ पीछे मेरे चकुंदर हुए थे अभी बहुत बढ़िया। उधर है पोलिया हाउस वगैरह सामने, आ जा आ जा आ जा बेटा। ये है इधर पोलिया हाउस, इसके अंदर भी लौकी वगैरह हो रखी है, यहाँ हमारा सेरू बंधा रहता है। इधर कद्दू वगैरह की बेल भी हुई है, तो नीचे भी है यहाँ पे सामने। पहाड़ों में भी देख सकते हैं, दरअसल क्या है कि बरसात का मौसम है तो हर जगह पेड़ से जाल से पूरा हरा भरा हो रखा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं ये देख सकते हैं। यहाँ भी पूरा ककड़ी की बेली बेल हो रही है, ये देखिए वो रही ककड़ी सामने, और यहाँ भी लगी पड़ी है। तो ऐसी ही अभी पहाड़ों में। और ये हमारा गठेरी का खेत देख सकते हैं, ये हमारे द्वारा मेरे द्वारा गठेरी लगाई गई है, देखो कितना बड़ा खेत है। और वो सामने तक उधर तक नज़र पहुंच रही होगी आपकी, देखिए आगे तक है उधर को, इधर को कटेरी, और यहाँ को हो रहा है देखो देसी ज्वार और झुंगरा, देखो किस तरीके से हो रहा है, कितना शानदार तरीके से हो रहा है। और ये रही गठेरी देख सकते हैं सामने से, वो देखिए आगे तक, ये देखिए। तो देख सकते हैं गठेरी का खेत है कितना बड़ा, ये बेल लग रही है वो सामने नीचे तक है, और वो आगे तक है उधर को, और पीछे मेरे देख सकते हैं आप झुंगरा वगैरह कैसे पक गया है, कितना शानदार हो रखा है देखो पीछे झुंगरा और ज्वार हो रहा है। और इधर को भी ककड़ी बेल वगैरह लगाई हुई है सामने। दरअसल ये है एरिया बहुत बड़ा हुआ, जब आप लोग मेरी लगातार वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि अभी है बरसात का मौसम पहाड़ों में, तो सारे तरफ बेल ही बेल लगी हुई है सब्जी ककड़ी वगैरह की, तो उसमें दिखाना पॉसिबल नहीं होता है कहाँ कहाँ एरिया। पीछे देख सकते हैं आप माल्टा का पेड़, कितने बड़े बड़े माल्टा हो रहे हैं देखो, अभी ये सर्दियों में पक जाते हैं बहुत बड़े बड़े हैं। सामने भी उधर को भी खेत है उस एरिया में, उधर को नीचे को है, और नीचे को जहाँ झुंगरा दिखाया था उधर को भी है, तो बहुत बड़ा एरिया है, दिखाना भी पॉसिबल नहीं है। उधर सामने मिर्ची भी हो रही है, तो क्या है कि एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मगर अभी ये सब क्या है ये बेलों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे दिखाते हैं। तो सामने जो मैंने वहाँ से दिखाया था आपको,
उगड़ेरी का खेत है इधर तक, यहाँ तक, और यहाँ से आगे को हो रहा मंडवा, क्योंकि अभी बरसात ज़्यादा की वजह से सब्जियाँ थोड़ा कम ही लगाते हैं। पीछे हो रही है तोरई की बेल, देख सकते हैं सामने, और पीछे है वो हमारा घर बड़ा वाला, इधर किचन है, और ये गौशाला जो सामने यहाँ से बढ़ता है इस एरिया में, वो पीछे मैंने जहाँ आपको दिखाया था कीवी का प्लांट है, और एक खेत वहाँ से शुरू है उधर को देख सकते हैं, और वो आगे तक है, वो सामने मकान से भी उधर और भी उधर तक है, बहुत लंबा खेत है। तो इस साइड में रहती है हमारी बकरियाँ, और यहाँ से है बकरियों के लिए रास्ता, और वो रास्ता है ये सामने वाला गाय भैंसों के लिए, और उसके बाद मैंने पीछे बनाया है ये बैठक रूम बड़ा सा, देख सकते हैं बहुत बड़ा सा बैठक रूम बनाया है। तो और यहाँ ये देखिए बैठक रूम बनाया है मैंने, उसके बाद हमारे यहाँ से जो मैं दिखा रहा हूँ एंट्री हुआ आती है बकरियों की, यहाँ से जाते हैं, और यहाँ ये सामने से देख सकते हैं यहाँ भी मैंने बेल लगा रखी है, और यहाँ मैंने बना रखा है अपना बर्मी कंपोस्ट टैंक जिसमें गोबर हम कंपोस्ट करते हैं, और यहाँ सामने उधर भी ये खेत हमारा ही है, ये बेल वगैरह सब मैंने लगा रखी है। अब उधर हो रही है मिर्ची और तिल, तिल और मिर्ची हो रही है उधर भी, और तो बैक कैमरे से बाद में दिखाऊंगा आपको कभी फुर्सत से, एक अच्छा सा ब्लॉग बनाएंगे बाद में टाइम मिलेगा तो। तो हमारी बकरियाँ आगे जंगल से घर को दिखाता हूँ आपको अभी कैसे जा रही है आगे को, ये देखिए सामने से, तो ये जा रही है गाय भैंस और बकरियाँ, गाय आगे चली गई है, चल ले 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 ले, चल 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 ले ले, चल चल चल। तो ऐसे जाते हैं घर को हमारी बकरियाँ से, और शाम का अंधेरा हो गया, टाइम हो गया है, ले ले। तो आजकल रास्ते भर में कीच कीच हो गया बारिश की वजह से, वो देखिए ले, ले।